वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि आप मृत्यु से पहले जीवंत हैं या नहीं। अगर आप एक फूल से प्रेम करते हैं तो उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मर जाता है और वह वो नहीं रहता जिससे आप प्रेम करते हैं। इसलिए अगर आप किसी फूल से प्रेम करते हैं तो उसे रहने दीजिए। प्रेम अधिकार के बारे में नहीं है, प्रेम सम्मान के बारे में है। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय है, और जब तक आप भीड़ से नहीं डरते तब तक आप एक भेड़ नहीं, आप एक शेर हैं। आपके हृदय में एक महान गर्जना होती है, स्वतंत्रता की गर्जना। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ भी पैदा होती है। उससे पहले वह कभी अस्तित्व में नहीं थी। औरत अस्तित्व में थी लेकिन माँ कभी नहीं थी। माँ बिल्कुल नई चीज है। जीवन को सभी संभावित तरीकों से अनुभव करें, अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, अंधेरा उजाला, गर्मी सर्दी, सभी द्वंद्वों का अनुभव करें। अनुभव से डरो मत, क्योंकि आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा आप उतने ही अधिक परिपक्व होंगे। सत्य बाहर नहीं पाया जा सकता, कोई गुरु कोई धर्म ग्रंथ इसे आपको नहीं दे सकता। यह आपके अंदर है और यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं के भीतर तलाश करें, अपने साथ रहें। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम बाहर से खुशी पा सकते हैं। प्रेम हमारे भीतर है और अगर हम अपना आंतरिक सुधार करें तो प्रेम आ जाएगा। जीवन में नकारात्मकता को स्वीकार कीजिए, क्योंकि नकारात्मकता ही सकारात्मकता का आधार है। हंसने की क्षमता रखिए और जब आप रोएं तो रोने की भी क्षमता रखिए। हंसना और रोना दोनों के अनुभव होने चाहिए। आत्मप्रेम सभी प्रेमों में सर्वोच्च प्रेम है। ध्यान करें और आप अपने असली सार को पहचान लेंगे। जब आप वर्तमान के साथ पूरी तरह से व्यस्त होते हैं तो समय कोई महत्व नहीं रखता। पुरुष ने सहस्राब्दियों तक महिलाओं पर शासन किया है, उन्हें लगातार दबाया गया है। यदि आप नारी जाति को रोकते हैं तो आप पूरे समाज और पूरी दुनिया को अनावश्यक रूप से गरीब बना रहे हैं। जो लोग सेक्स को प्यार समझ लेते हैं वे प्यार से खाली रह जाते हैं। सेक्स प्रेम की एक क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र है। प्रेम एक उच्च स्तर पर मौजूद है और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है सेक्स खत्म हो जाता है। जो ऊर्जा सेक्स में प्रकट हुई है वह प्रेम में रूपांतरित हो जाती है। दुख गहराई देता है, खुशी ऊंचाई देती है। दुख जड़ देता है, खुशी शाखाएं देती है। खुशी एक पेड़ के समान आसमान की ओर जाती है और दुख जमीन के गर्भ में जाता है। दोनों की आवश्यकता होती है और जितना एक पेड़ आसमान जाता है उतना उसकी जड़ें भी नीचे जाती हैं। वास्तव में यह हमेशा संतुलित होता है।